उससे पहले जो इसने कुछ पाप के घड़े कर रखे हैं ना वो बता दूं कि ये 700 करोड़ से 7,500 करोड़ का आदमी कैसे बने। नंबर एक, ये कोई भी काम लेता है सरकार से जब काम मिलता है तो कंपनी को टर्नओवर के हिसाब से मिलता है। काम करने वाले बेचारे भूखे मारे फिरे घूमते हैं। उस वक़्त यह आदमियों को बहुत मीठा बोल बोल कर बंद कमरे में बिठा कर अच्छे उनको बर्फी लड्डू खिलाकर ऐसा जटा लेता है जैसा कि सगा भाई भी है उसका नहीं हो सकता। उसको फंसा के उसको काम दे देता है, फिर उसको कहता है कि भी इसको इस प्रकार से करना है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, अपना कमीशन भी तय कर लेता है और रोड में भी धोखाधड़ी करवाता है। रोड की जो धोखाधड़ी है इसकी, सबसे पहले मैं एक नई ताज़ा ही बता रहा हूँ। कुंडली माननीय सरकार रोड कई सालों से रुका पड़ा था, मोदी जी सरकार आने के बाद कुंडली मानेसर रोड का टेंडर होया, वो बलराज कुंडू के नाम छूटा। 400 करोड़ रुपए में वो काम तय करना था, 400 करोड़ रुपए में तय करना था, उसमें चाहे 425 करोड़ लगो चाहे 450 करोड़ लगो, वो टेंडर इस प्रकार से था कि वो 400 करोड़ रुपए में ही पूरा करना था। इन्होंने उस रोड में क्या किया, कुल 200 करोड़ में ही अधिकारियों से मिलके काम चला दिया, 200 करोड़ का घोटाला कर दिया। 400 करोड़ में से 200 करोड़ रुपये उसी रोड में एक में खा लिए। गुड़गावा जो सेक्टर बने हुए हैं वहाँ पर सेक्टरों के अंदर जहाँ 2 फुट माल डलता है रोडी जैसे है, रोड बन गया तो रोड बनने के बाद रोडी तो वहीं रहती है, तारकोल जो है व्हीकलों के जाके वो उतर जाता है तो उसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया जाता है, वरना रोडी तो वहीं रहती है। 2 फुट जहां रोडी डालनी होती है वहां पर 1-1 फुट रोडी डाल रखी है, 1-1 फुट की रोडी खा रखी है। मान लो 20 करोड़ का टेंडर है तो समझो 1 फुट रोडी खाई तो 5 करोड़ रुपये तो ऐसे ही गोड़ मोड़ हो गए। ऐसे करते करते ये जो है उसमें चला गया, 2 फुट की बजाय 1 फुट रोडी डाली। जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनसे ऐसी साठगांठ करता है, जी मैंने यहाँ तो ठीक कर रखा है, इस 50 मीटर के दायरे में तो बिल्कुल रोड सही बना रखा है, रोड 10 किलोमीटर का है तो 50 किलोमीटर के दायरे में तो जांच कराने के लिए सही बना दिया ताकि वो कागजों में की जाँच हो सके। उसके बाद आप आगे चलो, आज भी रोड यहीं पड़े हैं, खुदवा के देखो तो वो वहीं मिल जाएगी, क्या किराया है क्या नहीं किराया है। एक जोधपुर का था, एयरपोर्ट का काम किया था, उस लड़के ने सुसाइड तक करना पड़ गया, 200 करोड़ का उसको काम दिया गया था। मेरे को भी गुड़गांव कई बार मिला, भाई मैं बाहर का हूँ मेरी कुछ मदद करो, जब तक बलराज कुंडू मेरे को भाई मानता है, उस टाइम की बात है, आखिर में वो सुसाइड ही कर गया। कम से कम भी जो है उस आदमी का 30 करोड़ का चूना लग गया, बैंक से कर्जा उठा रखा है तो बैंक से कर्जा उठाओगे तो मीटर तो 24 घंटे चलता रहता है। अगर आपने बैंक से 2 करोड़ रुपये 10 साल पहले लिए तो आप 10 साल के बाद देखो कितने पैसे हो जाएंगे। एक जो ये कहता है कि भाई मेरे ऊपर जो है क्या कहते हैं गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तारी वाली बात है जहाँ पर, उसका जो है जनता का सहारा लेता है। आम आदमी मानो उसकी जगह है, अपने आप को एक आम आदमी मानो, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मेरा धोखाधड़ी का जो मामला है वो एक आम आदमी के नाम से दर्ज हो रहा है, ना कि मेरा कोई पद लिख रखा है या कुछ जाति या कुछ ऐसा वो वर्ड यूज कर रखे है। ये जनता को साथ लेकर चलता है। जाट आरक्षण का जो जनता वाली जो बात है, मैं भी एक जाट हूँ, ये भी एक जाट है, जाट आरक्षण में ये जिला परिषद का चेयरमैन था, सामने देखो जी हाथ नहीं चक्रो, जिला परिषद का चेयरमैन था ये,
जिला परिषद का चेयरमैन होने के नाते इसने जाट आरक्षण का जो संघर्ष चल रहा था, हमारे भाई जो संघर्ष कर रहे थे उनका इसने साथ देना चाहिए था, उससे इस्तीफा देना चाहिए था। अपने जिला परिषद चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे गए, उनके साथ होना चाहिए था, जो शहीद हुए उनके घर जाना चाहिए था, जो जेल में पड़े हैं उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए थी। उल्टा कुछ भी ना करके इसने कई गांवों से पैसे इकट्ठे कर लिए और 3-4 करोड़ रुपये का वहां पर ये घपला कर गया जाट आरक्षण। आज तक ये किसी भी आरक्षण वाले के घर हाल चाल पूछने नहीं गया है, आरक्षण वाले के घर खाने तक दाने तक नहीं है। आरक्षण जो छिड़ा था, मांग थी, उसमें काफ़ी बच्चे मर गए, न किसी के उस पर घर पर शोक प्रकट करने गया, न आज तक किसी की तारीख पर गया, आदियों के पास तो कोई वकील करने का भी जुगाड़ नहीं है। ये तो इसका सामाजिक ढोंग तो रच रखा है, अगर इतना सामाजिक बने तो खुल के उनका समर्थन करें। दूसरा जो ये बस चला रखी है, जो तबीबों ने बस चला दी समाज सेवा के लिए, जब 200 करोड़ 400 करोड़ में तो अकेला 200 करोड़ का घोटाला वहीं हो गया तो बस तो कोई मायने नहीं है। 200 करोड़ में तो पता नहीं आदमी क्या कर ले, तो वो बस तो इसके पैसे की नहीं चल रही, वो बस तो धनखड़ बंद हो गए पैसे की चल रही है। 2012 में 10.5 करोड़ थे, धनखड़ बंद हो गए। कई बार पंचायतें हुई, मैंने भी कोर्ट में नौकरी की है, मैं कोर्ट में नहीं गया, सबसे पहले मैंने अपने गांव में पंचायत की, भाई मेरे साथ ऐसे धोखा हो गया। इसने वहां पर अपना एक आदमी भेजा गद्दी खेड़ी गांव का, वो बोला जी हम आपके सारे पैसे देंगे, इसको प्रेस में ना छपवाना, सारे पैसे के उठ के आएगा सारे के सारे, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया। उसके बाद इसने खुद पंचायत बुलाई, पंचायत बुला के और वहाँ पर पंचायत ने जो है एक 21 आदमियों की कमेटी बना दी, भाई ये विवाद बड़ा खड़ा हो जाएगा, इसको निपटा दो, पैसे को ये बर्बाद हो जाएंगे, इसको निपटा दो। अब ये अपने आप को कहता है जी मैं 7,000 करोड़ का आदमी बन रहा हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है पंचायत की, 17/8/17 को पंचायत हुई थी, उसमें 3,83,00,000 रुपये इसने पंचायत के माध्यम से वोट लिए थे, भाई मैं 3,83,00,000 रुपये दूंगा, जो कि कागजों में बोल रहे हैं। 3,83,00,000 रुपये के ऊपर ऐसे करके पंचायत में साइन करवा लिए दोनों पार्टियों के और कमेटी के गवाह के। ठीक एक हफ्ते के बाद 7-8 मेंबर बुलाए, बाकी जो थे वो आए नहीं, भाई फैसले के लिए हम नहीं आते। पंचायत बुलाकर उस फैसले को दोबारा से बदल दिया, भाई इतने पैसे इसके कट गए, इतने इसके कट गए, इतने इसके कट गए, मतलब धोखाधड़ी वहाँ से शुरू कर दी। उसके बाद जब हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, हमने थाने में रिपोर्ट दी, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखी, हमने महम में धरना शुरू कर दिया। एक विशाल पंचायत की 2 मिनट विस्तार से बताऊंगा, महम में धरना शुरू कर दिया। पंचायत वहाँ जो 24 खाप की पंचायत है, मेयर सिंह प्रधान है, उनसे हाथ जोड़कर परमिशन लेकर हम वहाँ बैठ गए धरने पर चबूतरे के ऊपर। 3 बार वहाँ पर पंचायत ने टाइम रखा, 3 बार बलराज कुंडू आने की बात कही, मैं पंचायत में आऊँगा, मैं पंचायत में आऊँगा, 3 बार किसी पंचायत में भी नहीं आया। जो आदमी आज ये कहता है कि भाई सरोखाप मेरे साथ है, सरोखाप कहाँ से है जब आप पंचायत में ही नहीं आए? उसके मेरे पास अखबार भी हैं उस टाइम के सारे हैं, सब खबरें सब भी हैं, आप अपने उसमें देखोगे तो आपके रिकॉर्ड में मिलेंगे।